दोस्तों, आज के टाइम पर हमारे भारत देश में 140 करोड़ के आसपास लोगों की जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20,000 लोगों के पास ही एटीएम मशीन है। दोस्तों, अगर आप एटीएम मशीन लगवाना चाहते हैं, अगर आप एटीएम मशीन की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है और इस बिजनेस में आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जमीन पर किस तरह से किसी भी बैंक का एटीएम लगवा सकते हैं, किस तरह से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, मतलब किस तरह से आप किसी भी बैंक की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, मतलब किसी भी बैंक के एटीएम की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम मशीन लगवाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप एटीएम मशीन लगवाते हो तो आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी इसमें आपको कमीशन मिलेगी, कितना इसमें आपको पेमेंट मिलेगा, कितनी आप इसमें इनकम कर पाओगे, मतलब मंथली इनकम आपकी क्या होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए आपको कहां और किस तरह से अप्लाई करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको जगह की बात बताऊंगा, मतलब जगह के बारे में बात करूंगा सबसे पहले, कि एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए जो जगह की जरूरत होती है वो होती है 50 स्क्वायर फीट से लेकर, मिनिमम 50 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और मैक्सिमम 80 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, मतलब 50 स्क्वायर फीट से लेकर 80 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे वो जगह इस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे लोगों की नजर पड़ जाए, मतलब जहां पे लोगों की नजर पड़े, जहां से लोगों की आपके एटीएम मशीन पे नजर पड़े, ऐसी जगह पे जो है आपकी एटीएम मशीन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर एटीएम मशीन लगवाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊंचाई पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर मतलब जो नीचे का फ्लोर होता है जिसमें लोगों को सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी ऊंचाई पे लगवाते हैं, मतलब उनकी जो जगह होती है वो थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है जिसमें हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है। तो ऐसी जगह पे मतलब लोग कम ही जाते हैं, सीढ़ियों से लोग कम ही चढ़ते हैं, ज्यादातर लोग जो है बिना सीढ़ी चढ़े आराम से जो है उनको पैसे निकालने होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर वाले एटीएम को ही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो ऐसी जगह पे जो है लोग जल्दी जाते हैं जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जबकि जहां पे सीढ़ियां चढ़नी होती है ऐसी जगह पे लोग थोड़ा कम जाते हैं, अगर आजू बाजू में कोई ग्राउंड फ्लोर में एटीएम ना हो तो। इसके अलावा दोस्तों, जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे उस जगह पे 24 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे वहां पे कम से कम एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे वहां पे लोगों की थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो, वहां पे लोग आते जाते हो, जिनको एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती हो, तब जाकर के जो है एक दिन में जो है 100 ट्रांजैक्शन होगी। तो इस चीज के लिए 100 ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे उस जगह की जो छत होगी वो कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। कंक्रीट मतलब एक मजबूत मटेरियल होता है, कहने का मतलब यह है कि जो है मजबूत छत होनी चाहिए ताकि उस एटीएम को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो जगह होगी जहां पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए। कहने का मतलब है, मतलब जिस जगह पे आप एटीएम मशीन लगवाओगे आपके आसपास कोई दूसरा एटीएम नहीं होना चाहिए, दूसरे बैंक का एटीएम नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें और आपके बीच में 100 मीटर की दूरी होना जरूरी है, तब जाकर के जो है आप एटीएम मशीन लगवा पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी कंपनी जो है एटीएम मशीन लगवाने के लिए प्रोवाइड कराती है, मतलब कौन कौन सी कंपनी एटीएम मशीन प्रोवाइड कराती है जिससे आप अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगवा सको। जैसे मान के चलिए आप अगर एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी बैंक से कॉन्टेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी भी बैंक से कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती है जो इनके टेंडर लेती है, मतलब कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनके कॉन्टेक्ट होते हैं सभी बैंक से, तो उन कंपनियों से हमें बात करनी होती है एटीएम मशीन लगवाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको 3 कंपनियों के नाम बता देता हूं जो एटीएम मशीन लगवाने का टेंडर लेती है, जिनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करोगे अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगवाने के लिए। सबसे पहली है इंडी कैश, टाटा प्रोडक्ट,
मतलब ये इंडी कैश जो है ये टाटा का प्रोडक्ट है। दूसरी है मुथूट ग्रुप, मुथूट ग्रुप आपने नाम सुना होगा, मुथूट ग्रुप। और तीसरी है इंडिया वन एटीएम। ये तीन कंपनी हैं जिनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगवाने के लिए, क्योंकि यही तीन कंपनी हैं जो सभी जितने भी बैंक होते हैं उनसे इनके कांटेक्ट होते हैं, उनके ये टेंडर लेती हैं और आपकी जगह पे एटीएम मशीन लगाती हैं। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ प्रॉफिट की यानी कि इनकम की। अगर आप अपनी जगह पे किसी भी बैंक का एटीएम लगवाते हो इन सभी कंपनियों से कांटेक्ट करके जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आपको ये कंपनी कितना मतलब क्या प्रोवाइड करेंगी, मतलब कितनी इनकम आपको होगी एटीएम मशीन लगवाने से, उसके लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये ना दो तरीके से आप जो है इसमें इनकम कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी भी बैंक का एटीएम अपनी जगह पे लगवा लिया, तो उसमें एक तो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और दूसरा है आपको मंथली मंथली किराया मिलेगा, मतलब जो भी मतलब आप अपनी जगह का किराया लोगे उससे मशीन लगवाने का, उसने वो आपका वो आपकी ज़मीन यूज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है आप अपनी उस ज़मीन का किराया लोगे, तो या तो महीने के हिसाब से आपको किराया मिल जाता है, मतलब जो किराया होता है वो 15,000 से लेके 25,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से बैंक का वो एटीएम है, ठीक है, या तो किराया आपको मिलेगा या पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको जो है इनकम होगी। तो ये दो तरीके से आपको इनकम होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो जगह है वो किसी महंगे इलाके में है, मतलब कुछ एरिया जो पोश एरिया होते हैं, जो महंगे इलाके होते हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है आपको आपके एटीएम का जो किराया होगा वो ज़्यादा मिलेगा, वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तक भी आपको मंथली किराया मिल सकता है। लेकिन जो लोकल एरिया होते हैं, जहाँ पे लोकल लोग होते हैं, जहाँ पे गरीब लोग होते हैं, भले वहाँ पे भीड़ हो लेकिन वो गरीब लोग हैं, गरीब एरिया है, तो सी बात है वो कम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो कम ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको कम इनकम होगी, कम आपको किराया मिलेगा। और अगर जैसे ज्यादा कोई हाईफाई इलाका होगा तो वहां पे, और वहां पे भीड़ भी है, तो जाहिर सी बात है वहां पे वो ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के हिसाब से आपको ज्यादा इनकम होगी और आपको किराया मिलेगा तो वो भी ज्यादा मिलेगा आपको, तो इस हिसाब से जो है आपको इनकम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए आपको अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगवाने के लिए कब अप्लाई करें और कैसे और कहां से अप्लाई करें, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू शुरू में कि किसी भी बैंक से आपको कांटेक्ट नहीं करना अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगवाने के लिए। आपको तीन कंपनियों के नाम मैंने बताए थे जिनसे आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। पहली कंपनी मैंने आपको बताई थी टाटा टाटा ग्रुप, और दूसरी मैंने आपको मुथूट मुथूट ग्रुप बताई थी, और तीसरी मैंने आपको इंडिया वन एटीएम नाम से जो है मैंने आपको बताई थी। तो इनकी ना वेबसाइट होती है, इनकी वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इनकी वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है india1atm.in, मैं फिर से बता देता हूँ www.india1atm.in, और जो दूसरी वेबसाइट है वो है www.muthoodatm.com, और जो तीसरी है वो है www.indycash.co.in। इन तीनों वेबसाइट पे आपको जाना है और तीनों पे आपको अप्लाई करना है। जहां से आपको अप्लाई मिलेगा वहां से आप कांटेक्ट करिए और आप अपने जगह पे एटीएम लगवाइए, आपको आराम से इसका अप्रूवल मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है लेकिन मिल जरूर जाएगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी जगह पे जो है एटीएम लग जाएगा। दोस्तों अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।